A very good morning to all of you. So in today's talk, we will derive kinematics equations with the help of calculus method. Okay? By using the differentiation and integration, we derive the kinematics equation that is very useful in kinematics in order to explore the motion of any body. So let's start. First equation is known as velocity time relation. Velocity time relation. बेटे ये आपको नाम से भी पता होने चाहिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो यहां पे v इज वेलोसिटी, u इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। एक्सेलेरेशन तो यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है और t टाइम है। ड्यू टू दिस रीजन ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन में मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, चाहे वो थर्ड इक्वेशन हो चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो, हर इक्वेशन में जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, बिकॉज जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है दे आर एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। तो एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है। सो दिस इक्वेशन give a relation between velocity and time. Due to this, it's known as velocity time relation. ठीक है, तो अब हम इसको derive करेंगे with the help of calculus method. So the instantaneous acceleration of an object in a uniform accelerated motion. So motion जो है मेरा uniform accelerated है, और जो instantaneous acceleration है वो मेरी किसकी इक्वल होगी, acceleration is equal to dv upon dt. What is dv upon dt? dv upon dt is time rate of change of velocity. Velocity में कितना change है, that is known as instantaneous value of acceleration. So this is the value of acceleration in magnitude. तो मैं यहाँ पे इसको rearrange कर रहा हूँ, मैंने इसको लिख दिया dv is equal to acceleration into dt. ठीक है, just multiply किया acceleration को dt के साथ and dt is separated, so we have dv is equal to a into dt. So अब मैंने ये मेरे पास एक equation आ गई, dv is equal to a dt. अब मैंने इसको solve करना है with the help of integration. तो firstly मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। लेट अस सपोज व्हेन टी इज इक्वल टू टी, व्हाट इज टी, टी इज टाइम, ये जो टाइम है। तो टाइम मैं कोई भी अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो टी है वो टी सेकंड है। टी सेकंड मीन आप इसको 5 सेकंड भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको 10 सेकंड भी कंसिडर करते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपके पास सिचुएशन कौन सी है उसके अकॉर्डिंगली आप अज्यूम कर लो। तो लेट अस सपोज t इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी होगी v, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, v के इक्वल। व्हाट इज v, v इज फाइनल वेलोसिटी। लेट अस सपोज एक बॉडी है वो मूव की t इज इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया,
तो जीरो से स्टार्ट करके टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे मैं उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल आ गई, वी के। व्हाट इज वी? वी इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने पहले चलो बता देना चाहिए था। व्हाट इज यू? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज वी? वी इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकंड। व्हाट इज ए? ए इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। एंड एस, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी सेकंड। एंड लास्ट वन इज एस एन। व्हाट इज एस एन? एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो आप कोई भी टाइम इंटरवल, लेट अस सपोज आप सेकंड सेकंड्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या है? एस एन। तो यहाँ पे मैं आपको, जब हम ये ड्राइव करेंगे तब हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? वी इज इक्वल टू वी। ओके, सो सेकंडली ये तो मेरे पास फाइनल कंडीशन थी, व्हेन टी इज इक्वल टू टी, वी इज इक्वल टू वी। क्लियर? तो नेक्स्ट इज व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू जीरो, तो जो मेरे पास वी है वेलोसिटी वो किसके इक्वल आएगी? यू के। व्हाट इज यू? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने दो कंडीशन अज्यूम की, एट टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे वेलोसिटी मेरे पास v है, एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड पे वेलोसिटी मेरे पास u है। ओके बेटे, क्लियर? अब मैंने बताया था कि इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्मॉल इंटरवल है मेरे पास, स्मॉल इंटरवल है dt एंड स्मॉल इंटरवल वेलोसिटी का है dp। तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटेग्रेशन। ठीक है, तो लिखेंगे इंटेग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती हैं? मैं ये पहले आपको बता दूं थोड़ा सा। लिमिट्स मीन आप ओवरऑल इफेक्ट किस रेंज में देखना चाहते हो, किस रेंज में फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे टाइम है, टाइम इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और टी इज इक्वल टू टी सेकंड, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो मेरी टाइम की रेंज है वो कितनी है? टी इज इक्वल टू जीरो टू टी, जीरो टू टी सेकंड। तो ये मेरे पास टाइम की लिमिट आ गई। टाइम की लिमिट कितनी होगी? जीरो टू टी सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी? स्टार्टिंग पॉइंट है यू, फाइनल पॉइंट है वी, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी? यू टू वी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटेग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ विद इन प्रॉपर लिमिट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये डीवी है, डीवी का इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी वेलोसिटी वाली लगाएंगे, तो लिमिट वेलोसिटी की क्या है बेटे? यू टू वी इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है बिकॉज वी डील विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो कोई भी, मैंने बताया था अगर हम कोई इंटेग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट का इंटेग्रेशन नहीं होता, कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, उसके साथ क्या है? डी टी। तो परफॉर्म इंटेग्रेशन ऑफ डी टी, एंड डी टी की लिमिट क्या है बेटे? जीरो टू टी। क्लियर? तो उस दिन मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का एक बड़ा जनरल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मेरे पास स्मॉल चेंज है एक्स में, उसका अगर इंटीग्रेशन मैं परफॉर्म करूं तो वो कितना आ जाएगा बेटे? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीवी है उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा?
वी लिमिट एज इट, लिमिट की अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, यूवी एंड ई एज इट, ये तो कॉन्स्टेंट है, डी टी का इंटेग्रेशन कितना आ जाएगा बेटे टी, तो लिमिट इसकी भी एज इट, अभी मैं लिमिट की कोई भी डी नहीं कर रहा, जीरो टू टी, ठीक है। तो डी बी का इंटीग्रेशन बेटे वी एंड डी टी का इंटीग्रेशन तो यू वी जीरो टी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में एक रूल होता है लिमिट्स, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लेट अस सपोज इंटीग्रेशन डीएक्स, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये जो बी है या आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन के ऊपर है, इसको तो बोलते हैं बेटे अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं लोअर, लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x ब्रैकेट्स लिमिट एज इट a टू b, उसके बाद अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, x में b पुट किया, आंसर इज b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को a पुट किया, आंसर इज a, तो b माइनस a इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल dx लिमिट a टू b, उसका जो आंसर है वो क्या आ गया बी टू ए। सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन b कर दिया, dt का लोअर लिखा है तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो dt का इंटीग्रेशन है t हो गया, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, ओके। तो लिमिट यू वी एंड जीरो टी, अब मैं क्या करूंगा लिमिट्स पुट करूंगा, v को v पुट किया आंसर इज v, जब v को u पुट किया माइनस, अपर लिमिट पुट कर दी b माइनस u, u is lower limit is equal to a, a तो constant है acceleration, t में t put किया upper limit t, तो answer is t, lower limit क्या है zero, तो जब मैं t को zero put कर दूंगा answer is zero, ठीक है। तो ये वाली term zero होगी, then we have v minus u is equal to a t, तो मैं उसको रीअरेंज करके क्या लिख दूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बेटे कोई प्रॉब्लम है यहां पे किसी को? नो सर। ठीक है, सो नेक्स्ट रिलेशन जो है हमारे पास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज पोजिशन टाइम रिलेशन। बस पहली समझ आ गई, अब तो ये आपको इजी लगे, पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी है बेटे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं या इस रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं, पोजिशन टाइम रिलेशन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोजीशन टाइम रिलेशन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बट ए मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ही है, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन करो, चाहे सेकंड करो, चाहे थर्ड करो, ये जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में है ए है कॉन्स्टेंट ही होता है, ओके। तो मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइन एज b is equal to dx upon dt, ओके। तो v is equal to dx upon dt, तो फिर मैंने यहां पे रीअरेंज किया, dx is equal to v into dt, ओके।
ओके अभी मैंने बेटे रिलेशन फाइंड किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं यहाँ पे ये v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो इक्वेशन फॉर्म करवानी है या डिड्यूस करनी है उसमें कहीं भी b नहीं है, यहाँ पे u है, v तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं b डिफाइन कर रहा हूँ, तो v को मुझे u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेथड अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है बेटे, तो वी हैव डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर? तो फिर वो ही कंडीशंस, initial condition and final conditions, condition remain same. So when t is equal to 0, तो उस time उसकी position कितनी थी, x is equal to x naught. When time is equal to 0, x is equal to x naught. But when टाइम इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसको मैं एक्स इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेता हूं, तो फिर मैंने, मेरे पास लिमिट्स आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन है, मैं क्या परफॉर्म करूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स, तो प्रॉपर लिमिट्स भी मुझे पता है, मुझे कांस्टेंट वेरिएबल भी पता है, मुझे कांस्टेंट और वेरिएबल्स भी उनकी नॉलेज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा, तो वी हैव इंटीग्रेशन एक्स नॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यू मल्टीप्लाई डी टी, यू इज कांस्टेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे u कांस्टेंट आ गया, u का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो dt का इंटीग्रल 0 टू t dt, u dt था, u कांस्टेंट है, u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया 0 टू t प्लस, अब a भी कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू t, एक तो t है साथ में dt, t into dt, clear? तो फिर सेम dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करो x नॉट x, u इज कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 टू t प्लस एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे t into dt है, t इंटू डी टी मीन अब t की पावर 1 है, अब t की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगी, है ना, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, t 1 प्लस 1 पावर बढ़ गई, और जितनी पावर ऊपर है उतनी ही इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगा 1 प्लस 1 एंड लिमिट इज 0 टू t। बेटे मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x में x पुट किया x, x में x नॉट पुट किया x नॉट, x माइनस x नॉट, ठीक है, u कांस्टेंट, t में t पुट किया t, t में 0 पुट किया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना है, प्लस ये 2 है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा a by 2, तो यहाँ पे क्या बचा t पावर 2, तो t को t पुट किया आंसर इज t स्क्वायर, t को 0 पुट किया आंसर इज 0। ठीक है, अब देखो व्हाट इज x, x इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट t इज इक्वल टू t, एंड व्हाट इज x नॉट, x नॉट इज द पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 0, तो x माइनस x नॉट ये क्या है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी को मैं बोलता हूं s, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू
यहाँ पे आ गया ut, तो हाफ भी आ गया, ए भी आ गया और टी स्क्वायर भी आ गया. वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर बेटी? सेकंड स्टेप समझा दो जहाँ पे हमने पावर प्लस की. ये वाला बेटे 1+1 वाला. यस सर. हाँ बेटे, ये रूल होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का. अगर मेरे पास जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की x इंटू डी एक्स, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसकी पावर कितनी है, इनिशियली 1, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी 1+1, जितनी इसकी पावर ऐड होगी या जितनी इसकी पावर होगी उतना ही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो आंसर इज 1/x² + c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन. ओके ओके सर. हाँ जी, थर्ड इक्वेशन आज हम ये राइव करेंगे. कल तो संडे है, नेक्स्ट डे इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थर्ड रिलेशन इज वेलोसिटी क्लास हो गया मंडे तो. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो इन दिस इक्वेशन वी इज वेलोसिटी, यू इज वेलोसिटी, एस इज डिस्प्लेसमेंट. देखो वी यू ये दोनों वेलोसिटी होगी, एस डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. ठीक है, तो इसको जो ड्राइव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेलेरेशन. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डीबी अपॉन डीटी. ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डराइव दिस इक्वेशन. वो ट्रिक क्या है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद डीएक्स. तो मैं लिख दूंगा बेटे डीवी डीटी, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा डीएक्स के साथ और डिवाइड भी कर देंगे. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगा. रीअरेंज इसको कैसे करूंगा, डी बी अपॉन डी एक्स. सर चेन रूल लगाया? नहीं, चेन रूल नहीं है यहाँ पे. सेकंड वन इज डी एक्स अपॉन डीटी. ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ आएगा. मैंने क्या किया यहाँ पे, dx के साथ मल्टीप्लाई किया, dx के साथ डिवाइड किया और उसके बाद dx वाली टर्म को db के नीचे ले गया और dt को dx के साथ क्लब कर दिया. तो मेरे पास इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू db ओवर dx एंड dx ऑन dt. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये जो है a dv अपॉन dx, ये तो कुछ नहीं होता, dv अपॉन dx and dx upon dt is equal to velocity. Okay, तो यहाँ पे देखो मैं dt को उस साइड ले गया, तो मैंने क्या कर दिया a dt, तो इस साइड क्या बचा v into d. I think समझ आ गया होगा. अगर बेटे देखो मैं यहाँ पे normally करता a into dt, तो यहाँ पे आ गया dv. ठीक है, अब मैं इंटेग्रेशन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज
वी डिड्यूस ए रिलेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने वो वाली टर्म को भी इन्वॉल्व करना था, पोजीशन वाली को, इसलिए मुझे डी एक्स भी चाहिए था। ए के साथ डी एक्स आएगा बेटे, वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे गलत है कुछ, हाँ डी एक्स आएगा, ए इंटू डी एक्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि डी एक्स पॉइंट डी टी तो बी बन गया ना, यहाँ पे डी एक्स है तो ए इंटू डी एक्स आएगा। मैंने उस टर्म को एस को इन्वॉल्व करवाना था, इसलिए मुझे यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें एक्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी पी। ओके, तो अब मैं बेटे फिर वही इनिशियल, समझा दो। हाँ जी बेटे, इसमें कुछ नहीं है, एक्सेलेशन मैंने डेफिनेशन ली है, एक्सेलेशन इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ओके, अब मैं कर तो ऐसे भी सकता हूँ, डी टी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डी बी, मैं इंटेग्रेशन परफॉर्म करूंगा, उससे मेरा फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दिस रिलेशन वी नीड ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इस राइट हैंड साइड को मुझे डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, डी एक्स के साथ ही डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने रीअरेंज किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी बी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी तो मेरे पास वेलोसिटी बन गई, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड डी वी अपॉन डी एक्स एज इट है, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वेलोसिटी, तो डी एक्स मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए के साथ, वी हैव ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। ओके, तो अब मैं लेता हूँ बेटे लिमिट्स, लिमिट्स टी इज इक्वल टू जीरो टाइम जीरो, एक्स इज इक्वल टू x नॉट इनिशियल पोजिशन एंड v इज इक्वल टू u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली व्हेन t इज इक्वल टू t सेकंड, x इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू v, क्लियर। तो फिर मैं इस इक्वेशन के का इंटेग्रेशन परफॉर्म करूंगा विद इन प्रॉपर लिमिट्स, e इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को एज इट, इंटाग्रेशन एक्स नॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी वी इंटू डी बी। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, एज इट ही रहेगा, डी एक्स का इंटाग्रेशन बेटे एक्स लिमिट्स इज एक्स नॉट एक्स, तो वी इंटू डी बी का इंटेग्रेशन बेटे कितना हो गया, वी डी पावर वन प्लस वन दैट इज बी स्क्वायर ओवर टू, तो लिमिट इसकी यू वी, तो यहां पे ए एक्स की वैल्यू अपर लिमिट एक्स 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 की वैल्यू एक्स नॉट माइनस ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वन बाय टू कॉमन, तो v की वैल्यू v, तो आंसर इज बी स्क्वायर, व्हेन वी पुट v इज इक्वल टू u आंसर इज u स्क्वायर। ठीक है, ये टू उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज टू a x माइनस x नॉट, ये क्या हो गया s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u। So this is the velocity displacement relation. Clear बेटे? अब देखो अभी यहां पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे तो सबसे मुश्किल पार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि कौन सा रिलेशन स्टार्ट कहां से करना है। जैसे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ये मैंने स्टार्ट किया एक्सेलेरेशन से, सेकंड वन इज पोजिशन टाइम, ये मैंने स्टार्ट किया वेलोसिटी से, थर्ड वन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये भी मैंने स्टार्ट किया एक्सेलेरेशन से।
तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि बेटे नाम नाम देखो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नेम वाइज एग्जाम में आया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन ड्राइव करो, फिर कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इक्वेशन वाइज आया है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर भी मैंने आपको बताया है कैसे पता चलेगा इसका नेम, वी इज वेलोसिटी, यू इज वेलोसिटी, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम। तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम उस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे जिसकी लेफ्ट साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी और टाइम हो। वेलोसिटी और टाइम किस में होगा, एक्सेलेरेशन में, डीबी अपॉन डीटी। ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन मैंने एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करना है क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी एंड टाइम है। ठीक है, सेकंड वन इज पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम में क्या है कि एस और टी का रिलेशन है, ये वाली इक्वेशन पोजीशन टाइम। तो इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, उस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे जिसके राइट हैंड साइड में पोजीशन और टाइम हो। तो वो कौन सा है, वेलोसिटी, डी एक्स पॉन डी टी। तो उसको हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। थर्ड वन वो थोड़ा सा अलग ही है, उसमें स्टार्ट हम एक्सेलेरेशन से करेंगे लेकिन बाद में हम डीएक्स और डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द टर्म डीएक्स। तो डीएक्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, डीएक्स के साथ डिवाइड करना पड़ा। दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस कैलकुलस मेथड। आपकी बुक में ग्राफिकल मेथड भी होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वो बहुत इजी है, वो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आप आज आपका होमवर्क है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करो और ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन इक्वेशन के साथ हम प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट के बाद लगेगा, हाँ जी हाँ बेटे, आई थिंक वो, हाँ वो एग्जाम के बाद ही होगा। ठीक है, जब भी होगा देन आई विल गिव असाइनमेंट रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। Motion with the uniform acceleration, because these four equations that we'll deduce earlier is based on uniform acceleration, and these equations is applicable to uniform accelerated motion. So first equation is v is equal to u plus at. Second equation is equal to s is equal to ut plus half at square. Third equation is equal to s is equal to ut plus half at square. And third one is b square, fourth one is b square u square plus 2as. ठीक है, तो fifth equation is a very important equation. Sometime आपके पास जो numerical आएगा उसमें particular mention होगा कि nth second में उसका displacement find करो। तो इस equation के based हम एक numerical भी करेंगे। So this equation is u plus a by 2 2n minus 1. What is n? एन इज दी nth सेकेंड, कोई भी सेकेंड हो सकता है। तो जब हमने इन इक्वेशंस को यूज करना है तो हमें सबसे पहले इनके लेटर्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। लेटर्स मीनिंग v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन, t टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लो चार्ट है कि हमने कौन सी इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको पहले स्टेटमेंट मेंशन होगी। क्लियर, जब आप उस स्टेटमेंट को रीड करोगे तब आपको आपके माइंड में कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन से आपका रिजल्ट आएगा, उसको पता करने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक मेथड है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस मेथड को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिटरमाइन विच वेरिएबल you are given below for and which variable you are required to find. तो सबसे पहले आपने determine करना है कि कौन सा variable है जो आपको given है and कौन सा value या variable है जो आपने find out करना है। clear? then
चेक ईच ऑफ दी फाइव काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन ऑर्डर। तो फिर आपने ये फोर या फाइव जो भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है आपने उनको चेक करना है कि इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट है। मीन आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन है बी यू ए टी, तो अगर आपको वी गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, तो ए फाइंड करनी है। क्लियर? तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फोर अनदर टू इक्वेशंस भी हैं, लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड वी स्केयर यू स्केयर प्लस 2 ए एस। ठीक है, बट आपने वो इक्वेशन ही चूज करनी है जिस इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स या जितने भी आपके पास रिक्वायर्ड वेरिएबल है वो आपको मेंशन हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में वी भी है, यू भी है, टी भी है, तो आप इजिली ए को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो चेक ईच ऑफ द फाइव काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन ऑर्डर, तो आपने उनको चेक करना है। देन डू यू हैव ए वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल इन द इक्वेशन एक्सेप्ट फॉर द वेरिएबल दैट यू हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड। तो सबसे पहले चेक करो कि अगर उस इक्वेशन में आपने जो वेरिएबल फाइंड करना है उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो गिवन है तो आप उस इक्वेशन को यूज करो, यूज दिस इक्वेशन। अगर वो आपको नहीं गिवन तो आप फिर कोई अदर इक्वेशन को चूज करो। दिस इज दी स्टेप कि आपने काइनेमेटिक्स इक्वेशन को कैसे यूज करना है, कैसे चूज करना है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा आपके साथ न्यूमेरिकली डिस्कस कर रहा हूँ, तो इससे आपको क्लियर होगा कि हमने काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है। क्लियर? तो हियर प्रॉब्लम इज ए कार मूविंग विद वेलोसिटी या स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार है जो जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इनिशियल स्पीड है क्योंकि आपको मेंशन ही नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो कार मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। तो उसने क्या किया, उसने ब्रेक को अप्लाई किया। क्लियर? आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर, 6 मीटर के बाद उसने ब्रेक को, सॉरी, कार कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर, मीन कि उसने जब ब्रेक अप्लाई किए तो कार जो है वो 6 मीटर दूर जाके रुकी। क्लियर? इफ द कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, अगर वो कार 100 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करे, देन फाइंडिंग द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये जो कार है इनिशियली वो मूव कर रही थी विद द वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर के साथ वो आ रही थी। उसने क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करने के बाद लेट अस सपोज इस पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई किए तो वो 6 मीटर दूर जाके कार स्टॉप हो गई। तो क्वेश्चन इज दैट अगर सेम कार 100 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करे, देन फाइंड दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। सेम 100 किलोमीटर पे आ रही है, यहाँ पे उसने ब्रेक अप्लाई किए, वो कितनी दूर जाके रुकेगी ये आपने फाइंड करना है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। आपको गिवन है बट स्पीड, और स्पीड भी कौन सी गिवन है, इनिशियल, इनिशियल स्पीड दैट इज यू गिवन है आपको, और वी, वी इज जीरो क्योंकि आपकी कार जो है वो फाइनली रेस्ट पे आ जाती है। 50 किलोमीटर पे चल रही थी, यहाँ पे उसने ब्रेक अप्लाई किए, 6 मीटर दूर जाके वो रुक गई, दैट इज वी इज इक्वल टू जीरो एंड यू इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो u मेरा 50 है, v मेरा 0 है। क्लियर? अब मैंने फाइंड क्या करना है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मेरे पास एक तो ये इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि मुझे v भी गिवन है, v मेरा 0 है, u मुझे गिवन है, u भी मुझे पता है 50 है। अब मुझे पता नहीं है एक्सेलेरेशन, 2 पता है, एक्सेलेरेशन नहीं पता, एस वी मुझे पता है 6 मीटर। तो फर्स्टली मैं क्या करूंगा, फर्स्टली मैं इस इक्वेशन से
उस कार की एक्सेलेशन फाइंड करना। तो उस कार की एक्सेलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा B0U50 एंड S इज इक्वल टू 6 मीटर, तो मैं एक्सेलेशन फाइंड कर लूंगा। उस एक्सेलेशन को मैं पुट कर दूंगा सेकंड केस में, जिस केस में मेरा यू 100 है वी 0 है, तो वहां से मैं S को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो फिर वही प्रोसीजर वही है कि कैसे चूज किया और कैसे सॉल्व किया। ठीक है, सो देखो इसका सोल्यूशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, वी 0 यहाँ पे 0 कर दिया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो यहाँ से मेरा S जो आएगा S इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2A, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2A, दैट इज S इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर इफ ए इज कॉन्स्टेंट। एक्सेलेशन तो कॉन्स्टेंट ही लेनी पड़ेगी बिकॉज जो मेरा मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड है, तो S इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर कि जो उसका डिस्टेंस है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, अगर इफ वी वांट S2 इज प्रोपोर्शनल टू U2 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड S1 इज प्रोपोर्शनल टू U1 स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से आप S2 ओवर S1 कैलकुलेट कर लो, U2 ओवर U1 का स्क्वायर। U2 गिवन है, U2 इज 100, U1 इज 50, S2 आपने फाइंड करना है, S1 इज 6, तो आपके पास आंसर आ गया 24 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है डे लाइफ में उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटे ये न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, द रिटार्डेशन अज्यूमिंग इज टू बी यूनिफॉर्म विल बी। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो नेगेटिव कैसे आएगी, वो मुझे स्टेटमेंट से ही क्लियर है क्योंकि जो मेरी वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, इनिशियली वो 200 है एंड रिड्यूस होने के बाद वो कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? ठीक है, तो सॉल्यूशन इज यू आपके पास है 200 मीटर पर सेकंड एंड वी इज 100 मीटर पर सेकंड, एस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बेटे यहाँ पे कंफ्यूज मिस्टेक मत करना, यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर मत ले आना बिकॉज स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड, तो जो उसका डिस्टेंस है वो भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.1 मीटर SI सिस्टम। तो एक्सेलेशन इज इक्वल टू 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर 2 × 0.1, आंसर इज 15 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड अज्यूमिंग कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो बेटे सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम अज्यूम let initially at t is equal to 0 velocity of particle is u, ठीक है, so for first 5 second we given distance is 10 meter, for first 5 second s5 is 10 meter, so by using this equation s is equal to ut plus half a t square, तो s मुझे given है 10, u मुझे given है u एंड टाइम इज गिवन 5, तो यहाँ पे 5u हो गया प्लस हाफ, एक्सेलेशन मुझे पता ही नहीं है a, एंड टाइम इज 5 दैट इज 5 स्क्वायर, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 4, एंड देन
आपके पास जो गिबन है एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। देखो बेटे पहले 5 सेकंड्स में वो 10 मीटर मूव किया और नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 10 मीटर और मूव कर गया, तो 5 + 3 = 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो कितना मूव कर गया, 20 मीटर। तो S8 = 20 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 20 × 8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2u + 8a = 5। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं u और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 7/6 m/s एंड एक्सेलेरेशन आ गई 1/3 m/s². क्लियर। अब मेरे पास एक्सेलेरेशन भी है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं s 10 निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो मैं एस टेन निकाल लूंगा। एस टेन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम इज 10 सेकंड, यू मुझे गिवन है एंड एक्सेलेरेशन भी मुझे गिवन है। मैं अप्लाई करूंगा एस टेन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस टेन मेरे पास आ गया 28.3 मीटर। क्लियर। बट क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो S8 दैट इज 8 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। एंड S10 10 सेकंड में, टोटल 10 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, 28.3। तो 2 सेकंड में कितना आएगा, 2 सेकंड में बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, S10 में से S8 को माइनस करना पड़ेगा। सो S10 इज 28.3 एंड S8 इज 20। सो आंसर इज 8.3 मीटर। ठीक है। तो सम टाइम आपके आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए बेस्ट, अगर आपको पर्टिकुलर एक सेकंड पे या एक टाइम पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है दैट इज काइनेमेटिक्स 5th इक्वेशन, ये वाली एसेंथ वाली। ठीक है। तो मैं उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये वाली इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये जो एस एन है ये पर्टिकुलर उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा। लेट अस सपोज कि आपने एस टेंथ या आपने 10th सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये अगर मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें जो एस आएगा वो 0 to 10 सेकंड जीरो टू टेन सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो टोटल आएगा एस एन। एस एन इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द गिवन टाइम इंटरवल। बट अगर मैं, इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कि मेरे पास कोई मुझे 5th सेकंड पे पता करना है कि उसने कितना ट्रेवल किया, देन वी यूज दिस इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस ऑफ वन। ठीक है। तो इसके बेस पे मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एक डिस्कस कर रहा हूँ। इफ ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल जीरो है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 8 m/s² क्लियर, 2 m इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द 5th सेकंड विल। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस ट्रेवल 5th सेकंड पे फाइंड आउट करना है, तो वी अप्लाई एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू माइनस वन। तो यू जीरो है क्योंकि गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एज इट, एक्सेलेरेशन मुझे गिवन है 8, तो एक्सेलेरेशन मैंने लगा दी 8, ब्रैकेट स्टार्ट 2 एज इट, एन की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 5th, क्योंकि मुझे 5th सेकंड पे उसका पता करना है डिस्टेंस, तो 5th - 1, सो आंसर इज 36 मीटर। उसने 5th सेकंड पे कितना फाइंड आउट किया, दैट इज एस डिस्टेंस ट्रेवल किया 36। तो आप इस फॉर्मूले से कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। सो नाउ कम टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे
जिसमें जो आपको मोशन है अंडर ग्रेविटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक रूफ है, रूफ से स्टोन थ्रो किया या उसने एक बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया विद दिस वेलोसिटी, जो भी ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो उस इक्वेशन उस केस में जो हमारी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन बिकम, तो जो एक्सेलेशन है एक्सेलेशन पे जी आ जाएगा। बट यहाँ पे टू केसेस हैं, इफ वी बॉडी इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इफ द बॉडी इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर अपवर्ड बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है तो उस केस में जो मेरी वैल्यू होगी ग्रेविटी की, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बट ग्रेविटी इज एक्ट डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मेरा जो ग्रेविटी का साइन है या जी का साइन है वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट अगर मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, की ग्रेविटी भी नीचे को है और मैं बॉडी को भी नीचे को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तब तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह जी, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वही एच हाइट पे आ गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एंड एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू टू एन माइनस वन, क्लियर। यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव है जी के। बट इफ द बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अगर बॉडी अपवर्ड है एंड द ग्रेविटी इज एक्ट डाउनवर्ड, तब ये जो साइन है नेगेटिव होंगे, देन इक्वेशन बिकम वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इज एच इज इक्वल टू यू माइनस यू टी माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मिस्टेक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एंड एच एंथ इज इक्वल टू यू माइनस, यहाँ पे माइनस सॉरी माइनस जी बाई टू टू एन माइनस, ठीक है। सो यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम इन विच द मोशन इज अंडर ग्रेविटी, क्लियर। प्लीज ये जो साइन है साइन को केयरफुली कंसिडर करना, अगर वर्टिकली अपवर्ड है साइन इज नेगेटिव, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है साइन इज पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच।